मेंडियर जीके और पेरेंट कंपनी प्रेपक्यू की ओर से मैं मनीष काणे करंट अफेयर्स के इस एडिशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। करंट अफेयर्स के इन सेशंस में हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, वो क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से जो एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स और अलग अलग सरकारी एग्जाम्स में जो आ सकते हैं। आज की डेट है 12 मार्च 2019 और आज हम डिस्कस करेंगे इसी डेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, नेम द कंट्री दैट वन द इंटरनेशनल ग्लोबल सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड्स 2019 इन द कैटेगरी ऑफ टीवी सिनेमा स्पॉट एट आईटीबी बर्लिन। सो इसका सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इंडिया। सो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इसको टीवी सिनेमा स्पॉट इस चीज के लिए अवार्ड मिला है इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड्स में, और इस अवार्ड को रिसीव करने के लिए श्री योगेंद्र त्रिपाठी जो कि टूरिज्म सेक्रेटरी है वो गए थे। और अवार्ड्स मिलता है प्रमोशनल फिल्म्स और टीवी कमर्शियल्स जो इनक्रेडिबल इंडिया 2 इस कैंपेन के अंतर्गत चलाए गए थे, योगी ऑफ द रेस ट्रैक, द री इनकारनेशन ऑफ मिस्टर एंड मिसेस जोन्स, सेंचुरी इन पैरिस, महारानी ऑफ मैनहट्टन, द मसाला मास्टर शेफ, द इनक्रेडिबल इंडिया 2 कैंपेन। ये सारे के सारे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने सितंबर 2017 में शुरू किए थे। और इसके साथ ही कुछ चीज़ें बर्लिन के बारे में आपको पता होना चाहिए। बर्लिन जो है जर्मनी की कैपिटल सिटी है और जर्मनी में जो करेंसी चलती है वो है यूरो, और जर्मनी के प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर। अगला क्वेश्चन, हु वॉज अपॉइंटेड एज द फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। इसका सही जवाब है सुभाष चंद्र गर्ग, जिनका अभी हाल ही में 9 मार्च को अपॉइंटमेंट हुआ है। इससे पहले गर्ग इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी थे, और अपॉइंटमेंट्स कमिटी जो कि इस तरह के अपॉइंटमेंट्स को सैंक्शन करती है, ये कमिटी प्राइम मिनिस्टर द्वारा ही लीड की जाती है। तो इस अपॉइंटमेंट कमिटी ने इनका फाइनल फाइनेंस सेक्रेटरी के पद पे सिलेक्शन किया। सुभाष चंद्र गर्ग जो हैं ये 1983 बैच के राजस्थान कैडर के ऑफिसर हैं, और इसके पहले जो फाइनेंस सेक्रेटरी थे अजय नारायण झा, जो 28 फरवरी 2019 को रिटायर हुए, और वो इस समय 15 फाइनेंस कमीशन के मेंबर भी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनप्रीत वोरा वॉज अपॉइंटेड एज नेक्स्ट इंडियाज एम्बेसडर टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। इसका सही जवाब है मेक्सिको। तो मनप्रीत वोरा ये 1988 बैच के आईएफएस ऑफिसर हैं, और हाल में एडिशनल सेक्रेटरी थे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में। मेक्सिको जो देश है ये यूएस और सेंट्रल अमेरिका के बीच में बसा है, स्थित है, और अभी हाल ही में यूएस और मेक्सिको की बॉर्डर वॉल के लिए ही जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने गवर्नमेंट शटडाउन कर दिया था और बाद में इमरजेंसी भी डिक्लेयर की थी ताकि वो इन दोनों देशों के बीच में बॉर्डर वॉल बना पाए। मेक्सिको की कैपिटल है मेक्सिको सिटी, यहाँ पे स्पैनिश लैंग्वेज मुख्यतः बोली जाती है और ये इसकी नेशनल लैंग्वेज भी है, और मेक्सिको की करेंसी जो है वो है पीसो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज नॉमिनेटेड एज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। इसका सही जवाब है शरद अरविंद बोबड़े, जो कि अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के जज भी हैं। नालसा यानी कि नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ये फॉर्म हुई थी 9 नवंबर 1995 को लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट के तहत। इसका पर्पस है फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करना उन कैंडिडेट्स के लिए जो इसके लिए एलिजिबल है, और इसका एक और पर्पस है जो कि लोक अदालत को ऑर्गेनाइज करना ताकि केसेस जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो सके। जस्टिस बोबड़े जो है इन्होंने ये एके सीकरी जो कि 6 मार्च को रिटायर हो चुके हैं उनकी जगह पे पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट,
Prime Minister Narendra Modi renamed Chennai railway station after which of the following leaders? इसका सही जवाब है एम जी रामचंद्रन, जो एम जी आर के नाम से भी मशहूर हैं। मोदी जी ने बहुत सारे हाईवे प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च किए उस समय। एम जी रामचंद्रन एक बहुत ही पॉपुलर फिल्म एक्टर और पॉलिटिकल पर्सनैलिटी थे तमिलनाडु के। वो 1977 से 1987 तक तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? इसका सही जवाब है सौम्या स्वामीनाथन, जो करंटली डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, और इन्हें अब चीफ साइंटिस्ट भी बना दिया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ही। और चीफ साइंटिस्ट जो है ये एक नई पोजीशन क्रिएट की गई है WHO में, और ये एक नया डिवीजन भी है। एक इस डिवीजन का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ डिजिटल हेल्थ, और सौम्या स्वामीनाथन का काम होगा WHO के सारे डिजिटल काम की देखरेख करना और इन टेक्नोलॉजीज को एसेस करना और दूसरे देशों को इन टेक्नोलॉजीज को एडॉप्ट करने में मदद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट विच इज इन न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? इसका सही जवाब है चेनाब। तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने भी हाल ही में इस प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्टमेंट का सैंक्शन किया है। ये प्रोजेक्ट चिनाब नदी पे है और जम्मू एंड कश्मीर के किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में प्रोजेक्ट स्थित है। इसकी कुल लागत, इसकी कॉस्ट 4,287.59 करोड़ आंकी गई है और ये 4.5 साल के पीरियड में कंप्लीट होने वाला है। चिनाब नदी जो है इसका ट्रेडिशनली नाम है चंद्रभागा, और ये एक मेजर नदी है इंडिया की और पाकिस्तान की भी, और पंजाब के पांच मुख्य नदियों में से एक नदी है। इसकी लंबाई 960 किलोमीटर 960 किलोमीटर है और इसका सोर्स बारा लच्छाला ये जगह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड न्यू डायरेक्टर ऑफ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर? इसका सही जवाब है अजीत कुमार मोहंती। इनको 3 साल के पीरियड के लिए अपॉइंट किया गया है और करंटली ये बार्क में ही डायरेक्टर हैं फिजिक्स ग्रुप के, और इसके साथ ही साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स के भी डायरेक्टर हैं। बार्क इंडिया की सबसे बड़ी न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी है मुंबई में, और ये एक मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च सेंटर है जिसके पास न्यूक्लियर रिसर्च के लिए बहुत ही एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज कॉन्फर्ड द सुलभ स्कल्पचर अवार्ड ऑन 49th फाउंडेशन डे ऑफ सुलभ इंटरनेशनल? इसका सही जवाब है फणी भूषण विश्वनाथ। तो ये इनको 10 लाख रुपए का अवार्ड मिला है और ये सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट बिहार से हैं, और इनको अवार्ड दिया है सुलभ इंटरनेशनल के फाउंडर डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक के द्वारा। अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज द नेशनल इम्यूनाइजेशन डे ऑब्जर्व्ड? इसका सही जवाब है मार्च 10। सो 9 मार्च 2019। तो इसके साथ ही हम आ गए हैं क्वेश्चन फॉर द डे पे। आज का पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? और दूसरा क्वेश्चन है, मरायूर जागरी ये किस स्टेट को बिलोंग करती है? इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको ये सेशंस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज हमें इन सेशंस को आप शेयर कीजिए अपने स्टडी ग्रुप्स और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप कैट एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए हमारे पास 3 बेहतरीन कोर्सेज हैं, कैट कॉम्प्रिहेंसिव ऑनलाइन, प्रेप QA कॉम्प्रिहेंसिव और प्रेप DILR कॉम्प्रिहेंसिव। इन कोर्सेज के माध्यम से आप किसी भी नेशनल लेवल MBA एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप फ्री रिसोर्सेज ढूंढ रहे हैं तो मेंड्योर मैथ्स, मेंड्योर रीजनिंग और मेंड्योर GK.com, ये 3 हमारे
ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं जो कि फ्री हैं। करियर गाइडेंस के लिए आप इस नंबर पे मुझसे बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।